ज्ञानतिम्रान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु मिलितं तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमिन् भूतले स्वयं रूपाः कदामयं ददाति स्वपधान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य दिव श्री राधा कृष्ण पादान, सहगण ललिता श्री विशाखान्वता हे कृष्णकुणा सिंधो बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी देवी प्रणमा हरि प्रिय वाछाकलुभ्य सिंधु्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गोपाल आइए सत्संग प्रेमी जनों आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता के सत्संग समारोह में भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिन से निकली हुई वाणी का आप पान कर रहे हैं आप धन्य हैं भाग्यशाली हैं अवश्य भगवान आपको सच्चे मार्ग के दर्शन कराने वाले हैं और अपनी धाम का रास्ता बतलाने वाले हैं यह आपके जीवन का आपको परम लाभ मिलेगा आइए आज के सत्संग में जैसे भगवान ने शत्रु अध्याय में प्रारंभ किया थे तीन गुणों का वर्णन करना तीन गुणों की भेद बतलाए तो इस विषय में काफी प्रवचन किए सत्संग हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा प्रकाश फिर से डालते हैं पुनः डालते हैं क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में इन तीन गुणों की उत्पत्ति होती है और ये मूल अहंकार से ही तीन गुण प्रकट होते हैं अहंकार ही अपनी तीन शाखाएं बनाता है उसी से ये संसार फैलता है उसमें पहली शाखा सतोगुण की है दूसरी शाखा रजोगुण की है और तीसरी तमोगुण की है भगवान श्री कृष्ण ने ये तीन गुणों के आधार से ये पूरे संसार की रूपरेखा समझाई श्रद्धा समझाई श्रद्धा है अर्जुन तीन प्रकार की होती है सतोगुणी श्रद्धा होती है रजोगुणी श्रद्धा होती है तमोगुणी श्रद्धा होती है फिर यज्ञ दान तप ये तीन तीन इनका भेद बतलाया ये भी तीन तीन फैकल्टीज में बांटे कि यज्ञ दान और तप भी रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी होते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इन विषयों को बतलाते हुए अर्जुन को काफी समझाया और ये कहा कि इनमें सबसे श्रेष्ठ सतोगुण है सतोगुण है जो भगवान की याद दिलाता है भगवान की ओर ले जाता है सच्चे मार्ग पर जीवन को जीवन की रद, जीवन के रथ को चलाता है रजोगुण भटकाता है संसार में बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम बार बार मरते हैं जन्म लेते हैं मरते हैं जन्म लेते हैं इच्छाएं बनी ही रहती हैं कभी खत्म नहीं होती और ये आदमी बार बार ये धरा धाम पर जन्म लेता रहता है यदि रजोगुण अच्छे रूप का है तो मनुष्य योनि में आ जाता है रजोगुण भी निम्न श्रेणी का है तो योनि से सिलिप होकर के और जानवरों में भी चला जाता है फिर तमोगुण को तो बहुत ही खराब बोला है क्योंकि तमोगुण के सारे कर्तव्य चाहे श्रद्धा हो तमोगुणी या तप हो या दान हो या यज्ञ हो या कोई और कार्य हो तमोगुण खतरनाक बतलाया <coughs> भगवान ने यह भी कहा कि कभी कभी सतोगुण प्रबल हो जाता है मनुष्य के हृदय में मनुष्य के चेष्टाओं से मनुष्य के खान पान से व्यवहार से आचरण से सतोगुण की वृद्धि हो जाती है तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण को दबा देता है वो होते हैं लेकिन बहुत निम्न स्तर पर आ जाते हैं सतोगुण प्रबल हो जाता है उस समय व्यक्ति आध्यात्मिक तरक्की करता है हर प्रकार से वो सुखी और ज्ञानवान बनता है फलता फूलता है कभी कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है प्रबल होकर के और सतोगुण को और तमोगुण को दबा देता है तब आदमी ये जैसे आप देखते हैं राजनीति में उतरता है या पद प्रतिष्ठा के लिए पूरे प्रयत्न करता है जीवनवर अथक प्रयास करता रहता है कि मुझे मान मिले सम्मान मिले सीट मिले पद मिले धनवान बनूं लोग मेरे गले में माला डालें सभी प्रकार से ये रजोगुण की फैलाव करता है रजोगुण फैलता है संसार में जैसे जाल फैलता है ऐसे ही रजोगुण एक जाल बुनता है अपने लिए जिसमें फंस जाता है और ये जन्म मरण के भंवर से नहीं निकल पाता सुख तो है ही नहीं रजोगुण में सुख नहीं बतलाया भगवान ने कहा रजोगुण में दुख प्राप्त होते हैं चिंताएं प्राप्त होती हैं फिर निम्न स्तर पर तमोगुण है तमो भगवान ने कहा कि कभी कभी तमोगुण ऊपर चला जाता है प्रबल हो जाता है और सतोगुण रजोगुण को दबा देता है जैसे कोई बच्चों को दबा दे कोई बड़ा बलिष्ठ आदमी पहलवान आदमी ऐसे ही ये पांव के नीचे ले, ले लेता है तमोगुण तब जाके आदमी जो है दुष्कर्म करता है बुरे कर्म करता है पाप कर्म करता है धोखा देता है बेईमानी करता है चोरी करता है डाका डालता है कत्ल करता है रेप करता है सब प्रकार के अवगुणों का भंडार बन जाता है भगवान श्री कृष्ण ने सतोगुण को श्रेष्ठ बताया शुद्ध कार्य करते हुए अपने जीवन को सुखी सुखी ज्ञान गम्य होकर के अनुभव गम्य होकर के जीता है और परमेश्वर से नेह लगा करके एक दिन परमेश्वर का शुद्ध भक्त बन करके महान आत्मा बनकर के भगवान के धाम को वापस चला जाता है जहां से कभी वापस नहीं आना पड़ता यह भौतिक दुनिया में, ये में मुक्त हो जाता है भगवान के धाम में उसको एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है जो सदैव है इटरनल है फॉर एवर है ऐसा एक शरीर मिलता है उससे भगवान के साथ में जैसे जैसे भगवान की प्रेरणा होती है भगवान की सेवा करता है भगवान के साथ बैठता उठता है भगवान के सानिध्य में रहता है भगवान को रिझाने का प्रयास करता है भगवान के बाग लगाता है सींचता है फूल तोड़ता है भगवान के चरणों में चढ़ाता है आनंद में मग्न रहता है वो परम आनंद है भगवत प्राप्ति परम आनंद है वो सतोगुण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है पहले नहीं रजोगुण तमोगुण के माध्यम से नहीं ऐसे ही जैसे एक शरीर के ऊपर ये सवार हो जाते हैं ऐसे ही समाज के अंदर भी और ये पूरे ब्रह्मांड में वही रूपरेखा है समाज में कभी सतोगुण प्रबल होता है तो ये पृथ्वी सत्युग में विचरण करती है सतयुग में प्रवेश कर जाती है ये पृथ्वी सत्य स्वरूपा हो जाती है पवित्र हो जाती है पवित्र आत्माएं, पवित्र महात्माएं जन्म लेते हैं इसके ऊपर शुद्ध महावीर जन्म लेते हैं इसके ऊपर बुद्ध और गुरु नानक जैसे चैतन्य महाप्रभु मीरा जैसी आत्माएं प्रकट होती हैं, सभी घरों में सत्युग में बच्चे भी परमहंस की तरह होते हैं क्योंकि सत्यता होती है नाम ही सत्युग है जहां पर सत्यता है जहां सत्य का बोलबाला है और झूठ का काला है, तो है। वो जब सत्युण की प्रबलता होती है तो सत्युग व्याप्त होता है इसी पृथ्वी पर समाज में जब रजोगुण की बाढ़ आती है तो ये पृथ्वी ये जन्म मरण के भौर में पड़ी रहती है लोग पद प्रतिष्ठा के लिए पचते हैं सारा समाज सभी कोई धनाड बनना चाहता है सभी कोई बलिष्ठ बनना चाहता है सभी कोई अपनी पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है सभी अपने आप को भैसा सुर समझने लगते हैं यानी महान समझने लगते हैं पावरफुल समझने लगते हैं किसी से कोई कम नहीं समझता रजोगुण में आदमी अपने बाप की भी नहीं मानता जब रजोगुण सवार होता है किसी की नहीं सुनता ना गुरु की ना पिता की न माता की यह रजोगुण है और कभी कभी इस समाज में तमोगुण छा जाता है तमोगुण छा जाता है तो तमाम समाज के अंदर समाज की बुद्धियों के ऊपर तमोगुण सवार होता है अधिक मात्रा में और रजोगुण सतोगुण दब जाते हैं तब जाके घोर कलयुग प्रवेश करता है जहां पर हर कार्य पापमय होता है झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेणा ये क्रियाएं होने लगती हैं इस प्रकार से भगवान ने इन तीनों गुणों का विशेष महत्व बतलाया और इन तीनों गुणों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है क्योंकि संसार में तो तीनों गुण व्याप्त रहेंगे ये तो प्रभु की माया शक्ति है इसे कोई हटा नहीं सकता लेकिन गुणातीत होने पर ये तीनों गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है और मुक्त होने के लिए हमको सतोगुण की सिद्धि पर चढ़ना पड़ेगा और सतोगुण में भी जब शुद्ध सत्व प्रगट होगा शुद्ध सतोगुण प्रगट होगा तो इसलिए तो भगवान कहते हैं ये ये मना समाधाय सहसात्विका अफलाकांक्षी जब आदमी निष्काम कर्म करने लगते हैं या करने लगता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं औरों को सुख देने के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसको भगवान की सेवा फलाकांक्षी फल की इच्छा नहीं यज्ञ करता है कि भगवान ने मुझे दिया है बहुत चलो मैं यज्ञ करूंगा सबको खिलाऊंगा पिलाऊंगा प्रसन्न करूंगा सभी हृदय में परमात्मा विराजमान प्रसन्न होंगे यज्ञ लुटाता है दान करता है तप करता है मन का तप वाणी का तप शरीर का तप तीन प्रकार के तपों का वर्णन किया इन तपों से आदमी पवित्र होता है भावना पवित्र होती है भावना पवित्र होती है तभी भगवान की याद ताजा होती है भावना शुद्ध तो कैसे भगवान की याद ताजा होगी नहीं हो सकती अध्याय का रूपरेखा है भोजन के विषय में बतलाया भोजन कैसा करना चाहिए सतोगुणी भोजन क्या है रजोगुणी भोजन क्या है तमोगुणी भोजन क्या है और इनके क्या प्रभाव है मन है प्रसाद है सौम्यत्व मन का तप बतलाया कि सौम्य स, सौम्य स्वरूप आपका मधुर व्यवहार संसार में आपके मन को प्रसन्न रखता है मौनम मौन प्रेम मौन और ध्यान ये तीन बड़ी विशेष चीजें हैं ये लगते तो अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे ही हैं आदमी मौन रहेगा तो उसके हृदय में प्रेम फलता है प्रेम लता फैलती है विश्व के प्रति ध्यान में रहेगा ध्यानी आदमी है ध्यान करता है भगवान के श्री चरण कमलों का तो उसके हृदय में अपने आप ही प्रेम की सुगंध उठने लगेगी और प्रेमी तो प्रेमी है भक्त जिसको कहा है प्रेमी तो प्रेम में ही जीना चाहता है प्रेम में ही मरना चाहता है प्रभु के प्रेम में पागल दीवाना हो जाता है मन है प्रसाद है सौम्यत्म मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशु इत तपो मानसम उच्चते ये मन के तब बतलाए शरीर के तब्त देव द्विज गुरु प्राग पूजन शोचमा आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा चारीर शारीर तप उच्यते ये शरीर के देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शोचं पवित्रता आर्जवम सरलता वाणी की सरलता चलने फिरने की सरलता देखने की सरलता बात करने की सरलता सरल व्यवहार इस शरीर का तप है देव द्विज गुरु प्रागे पूजनम शौचम आर्जम छ्रह्मचर्यम ब्रह्मवत आचरण करना मैं आत्मा हूं और ये दूसरे जो हैं, जिनको देख रहा हूं ये भी सब आत्मा है पशु पक्षी नर बानर किन्नर देवता ये सब आत्मा है आत्मवत दूसरों के साथ व्यवहार करना शारीरिक दृष्टि से नहीं आत्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य अहिंसा चो अहिंसक बनना हिंसा का जीवन नहीं जीना ये शरीर के तब बतलाए अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांगमय तप उचित ये वाणी के तब बतलाए अनुद्वेग कर्म वाक्यम जो दूसरे को तकलीफ नहीं देते हो दुख नहीं देते हो उद्विग्न नहीं करते हो क्रोध क्रोधित नहीं करते हो ऐसे शब्द बोलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल हो अनुद्वेग कर्म वाक्य सत्यम सत्य बोलिए प्रयास कीजिए सत्य बोलिए अर्जुन सत्य बोलिए जयते यह बड़ा उद्घोष है उपनिषदों का वेदों का सत्य की विजय होती है सत्य में सत्यम एव विजय सत्य में वजय सत्य की विजय होती है झूठ का मुंह काला होता है झूठा कभी सुखी भी नहीं हो सकता और उसका एक दिन भंडा फूटता है और उसका मुंह काला होता है सत्य में जीवन जीव सच्चा भोजन करो सच्चा व्यवहार करो सत्य में वह जयत अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जयत और प्रिय हितम यानी दोनों के पक्ष में प्रिय जो हो सुनने वाले को भी प्रिय लगे और बोला है उसको भी आनंद आए बोलने का अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम स्वाध्याय अभ्यसनम च स्वाध्याय स्व यानी आत्मा हम स्वयं स्वाध्याय अध्याय हमारा हम शरीर का अध्याय तो रोज खोलते हैं सुबह से शाम तक खूब सोते हैं जगते ही फिर काम के लिए दौड़ते हैं शरीर और भी परिवार में शरीर है दस पाँच उन सबको पालने पोषने में सारे चौबीस घंटे हमारे व्यतीत हो जाते हैं ये शरीर के लिए फिर मन की इच्छाएं तरंग वो मन के लिए स्व अध्याय कब खुलता है जब हम ये आत्मिक आत्मा का आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अध्याय बोलते हैं कि आत्मा कैसे परमात्मा के सानिध्य में चली जाए कैसे इसकी भावना पवित्र जो कंटामिनेट हो गई भावना तो सदैव ही आत्मा की पवित्र है लेकिन उसके ऊपर क्लाउड्स बादल छा गए काले पीले धौ नीले लाल बैंगनी रंग के ये जो समाज के अंदर रंग चढ़ गए उस पवित्र भावना पर उस उन उसको उन रंगों को धोना है उस धूल को जो हमने चढ़ा ली है और अब दिखाई नहीं देता पूर्णतया धुंधल का हो गया छा गया है उस धुंधल के को हटाना है तो धुंधल का तब हटेगा हमारी आंखों का जब हम हमारी भावना पवित्र होगी और ये पवित्र भावना के लिए हमको स्वाद